horn. A lot of noise. And so coming in here, it's peaceful and quiet. Here, oh. A lot of couples. Yeah. Yes. It's actually a lower point. Is it really? Is we thought so. The bugs we saw together? Yeah. ये क्या क्या देखना पड़ रहा है. नाले के पास में कपल बैठे है. उन्हें फ्री सेक्स एनर्जी की फिलॉसफी दी थी. यह फिलॉसफी ये कहती है कि एक इंसान के कई सारे मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो सकते हैं. उस मेडिटेशन सेंटर में ना लोग मेडिटेशन तो करने आते ही है, पर वहां पर लोग डांस भी करते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं और ये भी करते हैं कि मतलब क्या करने के लिए क्या क्या कर सकते हो. अब यहाँ पर क्या क्या मतलब मैंने ऑलरेडी बोल दिया लोगों को. आपने क्या किया मतलब यहाँ पर हम टेबे सिंगल बंदे यार. हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे. हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए व्लॉग में. तो आज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाने वाला हूँ ओशो गार्डन. सिद्धांत के साथ जाने वाला हूँ और अभी हम ओशो गार्डन में ही है. आप देख सकते हो यहाँ से पीछे रास्ता जो जाता है वो डायरेक्ट ओशो गार्डन को जाता है. पर एक ही दिक्कत की बात है कि अगर आप ओशो गार्डन आ रहे हो ना तो आपको पार्किंग नहीं मिलती है वहाँ पर. तो हमने वॉचमैन से पूछा कि कहाँ पर लगा है, तो वो बोला मेन रोड पर लगाना पड़ेगा. तो सिद्धांत लगाने गया है वो गाड़ी मेन रोड पर. एक्चुअली हमें यहाँ पर एक जगह दिखी थी, एक बोर्ड है जर्नल जीजी बेवूर मार्ग. तो इस बोर्ड के पास में किसी ने तो गाड़ी लगाई है, तो हम भी लगाने वाले थे. पर हमने देखा कि जो गाड़ी उठाने वाले थे ना, मतलब टू व्हीलर जो उठाते रास्ते से, तो वो हमें दिखे थे. तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना था, इसीलिए सिद्धांत मेन रोड पे लगाने गया है अपनी स्कूटी. बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का. तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको जो अपनी गाड़ी है वो मेन रोड पे लगानी पड़ेगी और उसके बाद जो ओशो गार्डन है वहाँ तक चल के आना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम गार्डन के अंदर आ चुके हैं और वॉचमैन ने मतलब चेक की बैक की कैमरा वगैरह नहीं है ना, तो वही कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पर. पीछे एंट्री गेट है और अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस गार्डन को. तो ये है ओशो की मूर्ति और इनको कई सारे लोग भगवान आचार्य रजनीश के नाम से भी जानते हैं. और रजनीश उनका एक्चुअल नेम था. और जो मेडिटेशन सेंटर है ना, ओशो मेडिटेशन सेंटर, वो इनके नाम पर ही है. ये क्या क्या देखना पड़ रहा है. नाले के पास में कपल बैठे है. पहले ही फैसला कर ले ये 50 शेड्स ऑफ. मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है. तू ब्रो हम बहुत गलत टाइम पे आए ना. हाँ आप भी ना, एक्चुअली आज हग डे, वैलेंटाइन वीक चालू है. तो मेरे को मतलब दिमाग में नहीं आया कि सभी जगह पर कपल्स ही दिखेंगे हमें. और मतलब थोड़ा तो अच्छा हुआ कि हम आ जाए हग डे के दिन आए. अगर वैलेंटाइन डे के दिन आते तो क्या क्या देखने को मिलता, बाप रे. राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक. जो अभी जितना ब्यूटीफुल ये ओशो गार्डन है ना, वो पहले उतना नहीं हुआ करता था. पहले एकदम अबेंडेंट लैंड था. तो उसके बाद जो ओशो आश्रम है ना, उन्होंने ये लैंड है वो एक्वायर कर लिया था और फिर सब वो डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया था. इसीलिए आज इतना वो ब्यूटीफुल लग रहा है. और दूसरा ये कि यहाँ पर एक नाला भी हुआ करता था जो कि बहुत बदबूदार हुआ करता था. और ये शायद से वही नाला है जो मेरे पीछे आप देख सकते हो. तो मतलब अभी भी थोड़ी बहुत बदबू आ रही है, पर मैंने सुना था कि जो नाला है वो उन्होंने प्यूरीफाई किया था, क्लीन किया था. और जो प्लांट्स जो मदद करते हैं ना पोल्यूटेंट्स को कम करने में, वाटर बॉडीज़ को, तो वो भी उन्होंने यहाँ पर ग्रो किए थे. पर पता नहीं क्यों अभी भी बहुत कचरा है और थोड़ी बहुत बदबू आ रही है. अगर ये क्लीन कर देना तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये बन जाएगा. और आप देख सकते हो वहाँ से नाला फ्लो होता है पूरा. मैं आपको दिखाता हूँ एक बार. ये देखो कितना गंदा पानी बह रहा है. मेरे को साइड में रहके भी उल्टी आ गई.
तो यहाँ पर जो बाम्बूज है ना, वो यहाँ पर किसी ने तो अपना नाम कार्व करने की कोशिश की है, और यहाँ पर किसी ने पूरा नाम भी लिखा है, दो लड़कियों ने लिखा है, अनुष्का और रिया। व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, क्या कर रहे हो यार अनुष्का और रिया? ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। यहाँ पर ओशो गार्डन के पास में ही रेलवे यार्ड है, वहाँ पर जो ऑयल है ना वो डंप किया जाता था, मतलब इतनी गंदी हालत थी इस गार्डन की। और जो यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स है ना वो काफी ज्यादा शिकायत करते थे कि यार काफी गंदा है, काफी बदबू आ रही है। तो इतना मुश्किल था पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ये गार्डन साफ करना। तो इस गार्डन की ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू हुई जब शून्यो फाउंडेशन, जैपनीज एनवायरमेंटल फर्म, इसने इस गार्डन का काम शुरू कर दिया था। तो इन्होंने पहले क्या किया कि 50,000 ट्रक भर के सॉइल यहाँ पर डाल के चले गए, क्योंकि मतलब ऐसे हिली या फिर फॉरेस्ट एरिया की वाइब्स आनी चाहिए इसीलिए। उसके बाद जो नाला है वो भी उन्होंने साफ करके प्यूरीफाई कर दिया था, और जो वाटर पोल्यूटेंट्स आते हैं उससे बचाने के लिए उन्होंने प्लांट्स जैसे कि हाइसिंस और जो फिशेस रहते हैं गैम्ब्यूसा एंड सिल्वर कार्प वो यहाँ पर डाल देते हैं, जिससे पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे पौधे कलकत्ता, बैंगलोर और वडोदरा से लाए हैं और यहाँ पर प्लांट कर दिए हैं। यहाँ पर एक बाम्बू पैच भी है जैसा कि मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, तो वो है। उसके बाद यहाँ पर हफ्ते में 1,000 विजिटर्स आते हैं, जो कि मतलब ओके नंबर है। और दूसरा ये कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर मैंने सुना था कि यहाँ पर गौतम बुद्धा का फोटो नहीं स्कल्पचर है कार्व किया गया हुआ है, तो वो है जहाँ पर मतलब साइड में आप वहाँ पर मेडिटेट कर सकते हो। हमें पता नहीं क्यों पर दिखा नहीं वो स्टैचू। और अगर आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, आपको मतलब मी टाइम चाहिए ना, तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हो। ओशो का रियल नेम था चंद्र मोहन जैन, जो कि एक मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में बॉर्न हुए थे, और 21 साल की उम्र में उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। उसके बाद से वो स्पिरिचुअल पाथ पे चले गए थे, उनको सेक्स गुरु भी कहा जाता है। उन्हें फ्री सेक्स एनर्जी की फिलॉसफी दी थी। यह फिलॉसफी ये कहती है कि एक इंसान के कई सारे मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो सकते हैं, और वो फैमिली के बहुत ही अंगेस्ट थे, और मतलब बहुत कुछ बोले थे उस थ्योरी में। तो यूट्यूब मतलब वो क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे थोड़े लॉ स्ट्रिक्ट है, इसीलिए मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकता, पर आप गूगल पे पढ़ सकते हो। और काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स है, तो उसकी वजह से अमेरिका जब वो गए थे तो उनको वहाँ से निकाल दिया था, इंडिया से भी उन्हें भागना पड़ा था, और वो 21 कंट्री में घूमे हैं। और अल्टीमेटली वो काठमांडू से उन्होंने मतलब क्या बोल सकते दौरा निकाला था, जहाँ पर वो अलग अलग कंट्रीज में विजिट करते हैं। और अल्टीमेटली उन्होंने ये ओशो आश्रम भी चालू कर दिया था, ओशो मेडिटेशन सेंटर। तो इस गार्डन के बहुत ही पास में ही है, आप जब गार्डन पे आते हो गाड़ी से तो आपको लगता है वो। और उस मेडिटेशन सेंटर में ना लोग मेडिटेशन तो करने आते ही है, पर वहाँ पर लोग डांस भी करते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, और ये भी करते हैं। तो जो लोग ओशो को फॉलो करते हैं उन फॉलोअर्स को कहा जाता है रजनीशी। अरे चैतन्य कपूर की काका होगा। अरे यार तू शर्मा मत, तू यार मेरा दोस्त है और तू ऐसा शर्मा रहा है। अरे भाई साहब, फिर से यहाँ पर एक कलाकार दिख गई पेड़ पे। अब पता नहीं यार क्यों कर दिया ऐसा लोग, पढ़ने भी नहीं हो रहा। मतलब कलाकारी करते हो तो मतलब अच्छे से किया करो ना भाई, सामने वाले को पढ़ना भी आना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, बस ये समझा कि यहाँ पर मेवा लिखा है। शायद से उसको मावा लिखना होगा। उसने मेवा लिख दिया शायद से। और यहाँ पर ना डेट लिखी है 18/7/2001, मतलब पता नहीं, पर आई एम अज्यूमिंग कि ये 2001 में कार्व किया है। अगर ऐसा है तो भाई बहुत पुराना पेड़ है ये, मतलब हम बॉर्न भी नहीं हुए थे तब, इतना पुराना पेड़ है ये। तो यहाँ पर मैं व्लॉग एंड कर रहा था, और यहाँ पर हमें कुछ दोस्त मिल गए, ये रहे। आपका नाम बता सकते हो एक एक करके? आपका बता दो सबसे पहले। अमन। अमन। अमित। 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 आप क्या? दीपक। और एक दोस्त भाग रहे, किधर भाग गए पता नहीं, पेड़ के पीछे छिप गए। वो पेड़ के पीछे, देखो देखो। अरे भाई लड़की भी इतना नहीं शर्माती, आप क्यों शर्मा रहे हो? अरे आपका प्यारा सा मुखड़ा दिखा दो यार ऑडियंस को।
कहाँ से हो? हम बुल्ढाना। आप सब बुल्ढाना से हो? सब बुल्ढाना से। अच्छा, तो मतलब आप पहली बार आए यहाँ पर? पहली बार आए। और कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एकदम बढ़िया था, एकदम बढ़िया। और मतलब कुछ और बताना चाहोगे? और क्या बताओ कि मतलब क्या करने के लिए क्या क्या कर सकते हो अब यहाँ पर? यहाँ पर क्या क्या मतलब मैंने ऑलरेडी बोल दिया लोगों को, आपने आपने क्या किया मतलब यहाँ पर? हम टेरे सिंगल बंदे यार हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मतलब बस ऐसे टेले यहाँ पर घूमने आए सिर्फ मजा लेने। अच्छा, और पुणे में कहाँ रुके हो? यही पुरेगा पार्क, यही पर। हाँ बढ़िया, काफी अमीरों की जगह है। बहुत अमीरों की जगह है। तो चलो, काफी अच्छा लगा आपसे व्लॉग में लेके, मेरे को काफी अच्छा लगा। थैंक यू भाई, आपको भी। हाँ, तो मैं आपको बताना वैसे भूल गया था, तो गार्डन का टाइम सुबह 6 से 9 है और दोपहर के 3 से 6 तक है, बराबर ना? हाँ बराबर। और बाकी के टाइम पे बंद रहता है, तो अगर आप आ रहे हो तो इन टाइम पे ही आओ, अगर बाकी के टाइम पे आओगे तो आपको गार्डन बंद दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक ब्रिज है और ब्रिज के नीचे भोगदा है, तो अब अगर इसको क्रॉस करते हो ना तो आपको यही गार्डन लगेगा। और शायद से वहीं पर, मैंने आपको बोला ना कि गौतम बुद्ध की स्टैचू है, वहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो मेरे को वही एरिया लग रहा है इसको क्रॉस करने के बाद। पर अभी हम वहाँ पर नहीं जा रहे क्योंकि भाई बहुत थक गए हैं और पैर भी मेरा दुख रहा है। तो अभी बस मैं घर जा ही रहा था तो कुछ यहाँ पर हमें टूरिस्ट मिल गए, तो उनसे काफ़ी बात की हमने इंग्लिश में, और भाई इतनी इंग्लिश मैंने ज़िंदगी में नहीं झाड़ी जितनी आज झाड़ दी भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में। तो उनसे मिला देता हूँ और अभी थोड़ी इंग्लिश में बात करता हूँ उनसे। तो ये रहे हमारे आज के व्लॉग में गेस्ट। सो व्हाट्स योर नेम? Renee. Renee. And Scott. Scott. So, from which country do you belong? U.S. U.S. America, yeah. Yes. And for how much time you are in India? We got here the 1st of February and we're here for 6 weeks. Okay, so in March and you will flew to Greece, yeah? Yes. Heading to Greece, to Athens, yep. Yeah, and how was your experience in this garden? Can you share it? Oh, it's beautiful. It's very beautiful. It's we're sorry to see the trash, the pollution. Yeah. That's too bad. But in the middle of the city, it's so quiet. It's very beautiful here. Yeah, where we're staying is in a high rise next to the railroad. And so we hear the horn. A lot of noise. And so coming in here, barking, it's peaceful and quiet. Here, oh. A lot of couples. Yeah. Yes. It's actually a lower point. Is it really? Is we it? Thought so. Oh, we even the bugs we saw together? Yeah. So. And for now you are in Pune, so where do you live currently? We're staying in Atur Park. Atur Park? Atur Park behind Conrad. You know? It's a Atur Park Society. Okay. Yeah. Just an Airbnb. Okay, so it's near Korega Park. Yes. Mm-hmm. Okay. Just across the road. Okay, so I'm not from here, so I don't know much about this place. Yeah. Okay. So it was nice to meet you, and hopefully if in future I come to US, I will definitely meet you. Definitely. Be a pleasure. Good to have you. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Thank you so much. तो एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको शांति चाहिए ना, अगर आपको मेडिटेशन करना है तो भाई सबसे बेस्ट जगह है। हाँ, और अगर आप कपल हो ना तो बेस्ट जगह ये, तो मतलब क्या बोलूं, इतनी बढ़िया जगह है। तो अगर आपको मेरे पुणे के फूड व्लॉग्स देखने हैं ना तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो, और अगर आपको मेरे पुणे के ट्रैवल वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन, चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ। उनका रियल नेम, मतलब जो जिस नाम से वो बॉर्न हुए थे, नहीं जिस नाम से कोई बॉर्न तो नहीं होता, मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहूंगा कि अगर आपको शांति चाहिए ना, मेडिटेशन करना है ना, क्या बोल रहा हूँ, फंबल।